हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रिशिका, और आज अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इनसाइट आईएएस के क्विज, जो कि हमारे जून मंथ की है। तो साइंस एंड टेक के लास्ट लेसन में कुछ क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, आज हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करेंगे। फिर कल स्टार्ट करेंगे हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो चलिए रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज हमारी 8 क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। लास्ट हम लोग सोवा रिग्वा के बारे में देखे ही थे। तो अगर आप लोगों को प्रीवियस लेसन देखनी है या प्रीवियस मंथ की कोई इसको सॉल्व करनी है, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट में आकर आप लोग देख सकते हो। आज स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रो स्किन के साथ। सो व्हाट इज़ दिस, आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि इलेक्ट्रो स्किन एक तरीके का रोबोट है जो कि स्किन से बना होता है। सेकेंड है कि इलेक्ट्रो स्किन एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो भी सॉफ्ट रोबोट की तरफ, और ये इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है, डिप्लॉय कर सकते हैं, इवन ये वॉन्ड भी हो सकता है, मीन्स मुड़ भी सकता है। ओके, साथ ही आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या है ना कि वाइल्ड ट्रेडिशनल रोबोट आर रिजिड इन कॉम्प्लाइंट, सॉफ्ट रोबोट आर कम्प्लाइंट एंड कैन स्ट्रेच एंड ट्विस्ट टू अडॉप्ट देयर एनवायरमेंट। तो एक सॉफ्ट रोबोट, जैसे कि आज तक में आप लोग रोबोटिक्स अगर देखे हो तो वो एक हार्ड मटेरियल का होता है। जैसे आप लोग रोबोट मूवी देखे हो रजनीकांत जी की, तो उसमें जो चिट्टी था वो पूरे हार्ड मटेरियल का था। बट अब रोबोट को थोड़ा और ओरिजिनल फॉर्म देने के लिए क्या है ना कि यहाँ पर इलेक्ट्रो स्किन इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि स्किन जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स की स्किन होती है ना, इसी स्किन से बनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सो इज द करेक्ट स्टेटमेंट इज डी। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए, रिसर्चर्स के द्वारा ये डेवलप किया गया है कि अब रोबोट जो है ना एक पॉकेट साइज रोबोट भी होगा, जिसको कि हम लोग आराम से ट्रैवल करा सकते हैं, या फिर वो दीवार पे भी चढ़ सकते हैं, या फिर सेलिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ भी देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रो स्किन्स जो है एक न्यू फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसमें कि सॉफ्ट नेक्स्ट जनरेशन रोबोट बनाने की बात की जा रही है। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है सॉफ्ट रोबोट की तरफ, जो कि ईजिली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि एक कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिकल आर्टिफिशियल मसल्स का, और इलेक्ट्रिकल ग्रिपिंग रेप्लिकेट द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स लाइक स्लग्स वगैरह है। तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है ना, इसमें आपका जो इलेक्ट्रो स्किन है, ये एक तरीके का स्किन है जिसमें कि आप रोबोट जो है ना वो सॉफ्ट होने वाला है। साथ ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो एनिमल्स है, जैसे कि स्लग और स्नेल्स वगैरह होते हैं, और स्नेल्स हिंदी में इसे घोंगा कहते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, स्नेल्स होते हैं ना, उस तरीके का जो है ना आपको देखने को मिलेगा, जैसे एनिमल मूव करते हैं उस तरीके का एनिमल्स जो है, इस तरीके अब उस तरीके का मूवमेंट आपको यहाँ पर रोबोट में भी देखने को मिलेगा। जो थिन और लाइट रोबोट होंगे वो यहाँ पर डेवलप किया गया है एक न्यू वे ऑफ यहाँ पर आर्टिफिशियल मसल्स का इस्तेमाल करके। और ट्रेडिशनल रोबोट तो आप जान ही रहे हो कितना हार्ड होता था, कंप्लाइंट होता था, वहीं सॉफ्ट रोबोट अगर देखें तो ये कंप्लाइंट भी है, इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने हिसाब से उसको अडॉप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। तो इसके बारे में आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट है कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इसमें हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है, एक ऑक्सीडेंट है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, आप देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू। सेकेंड है कि जैसे बैटरी व्हीकल, आपकी बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल है ना, तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है यहाँ पर आपका एनर्जी भी स्टोर हो सकता है। थर्ड है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो इसमें बहुत कम क्वांटिटी में ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो यहाँ पे आपका इमीट होता है, प्रोड्यूस होता है। तो आपको बताना कि करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर हम लोग करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आते हैं, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है इसमें हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट होगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से होगा, विच इज़ वेरी ट्रू। सेकेंड आप लोग देख सकते हो, सेकेंड स्टेटमेंट थोड़ा सा इनकरेक्ट है, क्यों है हम लोग बाद में देखेंगे। थर्ड भी यहाँ पर करेक्ट है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये कम यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को इमीट करते हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ प्रेफरेबल, और इसको आज के डेट में बहुत ज़्यादा प्रेफर भी किया जा रहा है। सो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द बी ऑप्शन इज़ करेक्ट है। ओके, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे गवर्नमेंट को कहा गया है कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन बेस्ड टेक को वो देखे जिसके थ्रू व्हीकुलर जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है कैपिटल में, दिल्ली वगैरह में, तो उसको यहाँ पे डील किया जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि इस तरीके का हाइड्रोजन फ्यूल का, तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशंस हो रही है वो बहुत कम हो रही है, तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस है। साथ ही अगर फ्यूल सेल का देखें तो इसमें एडवांटेजेस है, जो कि कन्वेंशनल कम्बशन होता है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि इसका एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग प्योर हाइड्रोजन को इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूल सेल्स जो है ना सिर्फ यहाँ पर हीट और वाटर को ही वो यहाँ पर एज ए प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट वो इमीट करेंगे। सेकेंड स्टेटमेंट क्या था कि अगर यहाँ पर आपका जो है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है ना यहाँ पे एनर्जी को स्टोर भी कर सकते हैं, जैसे बैटरी इलेक्ट्रिसिटी करती है, तो ये वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, आप लोग देखो कि जो फ्यूल सेल है उसमें
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से, लेकिन जैसा आपको बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि बैटरी इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल में आपका जो है एनर्जी स्टोर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्यूल सेल में आपका एनर्जी स्टोर नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कोलेस्टीन। तो कोलेस्टीन न्यूज़ में था, मैं भी पढ़ाई हूँ, आप लोगों को बताना कि ये है क्या। HIV एंटी रेट्रोवायरल ड्रग है। सेकेंड है कि ग्रोथ सप्लीमेंट यूज़ किया जाता है एनिमल में। थर्ड है कि BT कॉटन वेराइटी है। एंड फोर्थ इज़ नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना कि क्या था। कोलेस्टीन याद आ रहा होगा, कुछ तो था जो कि हिंट दोगी तो बता ही दोगे। चलिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, ग्रोथ सप्लीमेंट इस्तेमाल किया जा रहा था एनिमल में। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एक ऑर्डर इशू किया गया है जिसमें कि यहाँ पे कोलेस्टीन के मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे बैन किया गया है, और इसकी फॉर्मुलेशन जो कि फूड प्रोसेसिंग एनिमल में होता है, पोल्ट्री में होता है, एक्वा फार्मिंग में होता है और एनिमल फीड सप्लीमेंट में होता है। कोलेस्टीन एक वैल्यूएबल लास्ट रिसॉर्ट एंटीबायोटिक है, जिसमें कि आप देखोगे कि इसको लास्ट रिसॉर्ट में ही इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं तो इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि विमेन वगैरह को भी देते हैं जब यहाँ पे प्रेग्नेंट होती है और जब डिलीवर होता है, तो उसके बाद जो है ना यहाँ पे उनको भी दिया जाता है। तो ये एनिमल में भी यूज़ होता है, और एनिमल में भी इसीलिए यूज़ होता है क्योंकि एक लास्ट रिसॉर्ट के फॉर्म में यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि कई सारे जो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म वाले लोग हैं, या फिर आप लोग एनिमल्स वगैरह में देखोगे या फिर काओ वगैरह में देखोगे, तो कोलेस्टीन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था जिससे कि एनिमल्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्चुअल ऑटोप्सी। तो वर्चुअल ऑटोप्सी है क्या, इनकरेक्ट बताना है, गलत स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट है कि वर्चुअल ऑटोप्सी की बात करें तो डॉक्टर्स जो है वो यहाँ पर रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि जो इनार्ड है टू रीच द कंक्लूजन उसको एग्जामिन करते हैं अबाउट द केस ऑफ डेथ ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी का जो डेथ होता है ना उसके बाद आपका क्या होता है, पोस्टमार्टम होता है। तो पोस्टमार्टम में आपका वर्चुअल ऑटोप्सी होता है जिससे कि रेडिएशन के थ्रू ही, यानी कि पोस्टमार्टम में क्या होता है कि बॉडी को काटना पड़ता है कि नहीं, बीचों बीच चीरते हैं और उसके बाद अंदर देखते हैं और एक एक ऑर्गन को देख के वो ये अंदाज़ा लगाते हैं कि डेथ का कारण क्या था। बट अब यहाँ पे वर्चुअल ऑटोप्सी ऐसा होता है ना कि यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू ही जो है बॉडी के अंदर ये देख लिया जाता है कि कहाँ पे किस तरीके के प्रॉब्लम के कारण जो है यहाँ पे इस पर्सन का डेथ हुआ है। ओके, सेकंड है कि कंप्यूटराइज जो टोमोग्राफी है, CT है, और मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग है, MRI मशीन है, उनके द्वारा यहाँ पे इस मशीन में आपका वर्चुअल ऑटोप्सी इस्तेमाल नहीं होता है। थर्ड है कि वर्चुअल ऑटोप्सी एक टाइम कंज्यूमिंग है अगर हम लोग ट्रेडिशनल पोस्टमार्टम के कंपैरिजन में देखें तो। कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है, थर्ड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनकरेक्ट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि वर्चुअल ऑटोप्सी कहते ही इसको है कि डॉक्टर के द्वारा एक रेडिएशन के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है, अब बॉडी में कट नहीं किया जाता है आपका पोस्टमार्टम के बाद, और ये देखने के लिए कि कॉजेज ऑफ डेथ क्या है। अब यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू जो है ना वो आपका बॉडी के अंदर दिख जाता है कि क्या कारण है, किसके कारण डेथ हुआ है। लेकिन सेकेंड यहाँ पर गलत है कि MRI में भी इस तरीके का यूज़ होता है वर्चुअल ऑटोप्सी, और वर्चुअल ऑटोप्सी इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें लेस टाइम आपका दिया जाता है। जो भी ट्रेडिशनल मेथड होता है उसके बाद जो टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियस है कि ट्रेडिशनल मेथड के कंपेरिजन में जो टेक्नोलॉजी है उसमें आपका टाइम कम लगेगा। सो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन हो गया, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। ओके, साथ ही यहाँ पे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ICMR है, उनके वो एक साथ वर्क कर रहे हैं, वो भी इस टेक्निक में जो कि पोस्टमार्टम के लिए होगा बिना किसी लाइसेंसिंग का, ठीक है। और एक वर्चुअल ऑटोप्सी आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा फास्टर है, 30 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल आपका ऑटोप्सी होता है उसमें क्या है ना कि 2.5 घंटे तक भी लग जाता है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक अब आपको रिमेंबर हो गया होगा। ये है क्या बताना है, एबिलिटी टू सी ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी दूर का ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है तो उसको आप आराम से देख सकते हो। सेकंड है कि एज रिलेटेड डिफ़िकल्टी है, यानी कि किसी भी आप लोग देखते हो कि जब एज हो जाता है तो उसमें जो है ना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते जो भी ऑब्जेक्ट रखा है। थर्ड है कि आई विथ रिफ्रेक्टिव एरर है, यानी कि किसी ना किसी रिफ्रैक्शन जो बनता है हमारे आई में उस तरीके का एरर है। फोर्थ है कि देख तो सकते हैं लेकिन बिना किसी आईज़ के। तो आपको बताना कि करेक्ट कौन सा है, यहाँ पर जो करेक्ट है वो है डी, एबिलिटी टू सी विदाउट आईज़। एकदम एग्जैक्टली ये करेक्ट है, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑक्यूलर विजन, ठीक है। फर्स्ट टाइम रिसर्चर्स के द्वारा इस तरीके का जो है आपका लाया गया है कॉन्सेप्ट, और इसमें क्या है ना कि आप आराम से जो है जो जिनका जिनके पास आई भी नहीं है वो भी देख सकते हैं इस तरीके के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है GM क्रॉप से रिलेटेड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो ये है क्या, इसमें आपको करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि GM जो है यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसका एम है कि एलियन जीन को इंट्रोड्यूस करना जो कि आपका सिर्फ प्लांट से ही हो सकता है, और इससे क्या है ना कि जो डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए उसके लिए।
सेकेंड है कि इंडिया में आप देखोगे जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी है, एक अपेक्स कमेटी है जो कि कमर्शियल रिलीज़ करते हैं, यानी कि जो जीएम क्रॉप का हमारे इंडिया में कितना इस्तेमाल होना चाहिए वो किस कमेटी के द्वारा किया जाता है, तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेसल कमेटी के द्वारा। थर्ड है कि 95% से भी ज़्यादा जो इंडिया का कॉटन एरिया है वो यहाँ पर बीटी कॉटन के अंदर है। तो आपको करेक्ट बताना है करेक्ट कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सो यहाँ पे अगर करेक्ट की बात करें तो फर्स्ट बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स का ही यहाँ पे आपका जीन लेना है। सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, GEAC है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, इसके बारे में ध्यान रखना है। और 95% से ज़्यादा जो इंडिया का कॉटन है ना अब यहाँ पर BT कॉटन के अंदर आ चुका है। तो सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका सीड होता क्या है, यानी कि जो बीज होता है, नॉर्मल बीज होता है किसी भी तरीके का, आप पौधा या फल फूल के कोई भी बीज को लाकर आप रोप देते हो, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड है, यानी कि उसको हम लोग कहीं ना कहीं जो है ना मॉडिफाई कर रहे हैं, जीन में मॉडिफाई कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके के जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड का एम ही यही है ना कि यहाँ पे हम लोग एलियन जीन को इस्तेमाल करें। एलियन जीन कहने का मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे पृथ्वी से जो है एलियन को बुलाकर उनका जीन निकालें, नहीं। एलियन जीन कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग रोज़ का प्लांट लगा रहे हो और उसमें आपको जो है ना सनफ्लावर की जो है उसकी भी जीन चाहिए आपको, तो रोज़ का जो सीड होता है, हालांकि सीड तो ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो सीड होता है उसमें, तो उसमें सनफ्लावर की भी जो है फ्लावर्स उगे, तो उसके लिए क्या करेंगे कि सनफ्लावर का जो प्लांट है ना उससे हम लोग जीन निकाल कर ये जो आपका रोज़ का जो जीन है सीड है उसमें हम लोग उसको मिक्स कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि जब आप वो सीड को आप जब रोपोगे तो उससे क्या होगा ना कि जब पौधे निकलेंगे तो उसमें सनफ्लावर भी होंगे और उसमें जो है आपका रोज़ भी होगा। हालांकि ये क्रॉस ब्रीडिंग प्रोसीजर से भी होता है, बट मैं आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश कर रही हूँ कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड होता क्या है। जो आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट चाहिए सीड्स में, उस तरीके का सीड में जो है ना आप आर्टिफिशियली उसमें मॉडिफाई करो। एलियन जीन जो है वो यहाँ पे प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, इवन यहाँ पे सॉइल बैक्टीरियम का भी हो सकता है, जो सॉइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया है ना उनसे भी हो सकता है। बीटी कॉटन के बारे में बात करें तो सिर्फ ओनली यहाँ पे जीएम क्रॉप है जो कि आज के डेट में इंडिया में अलाउड है। और यहाँ पे दो एलियन जीन आपका लगता है, एक तो यहाँ पे सॉइल बैक्टीरियम बैसिलस का भी है, बीटी का है, जो कि यहाँ पे मीन्स सॉइल बैक्टीरिया का लिया गया है, इसलिए यहाँ पे बीटी कॉटन में जो है ना बीटी जो है ना ये आपका बैसिलियस थ्रिंगेनेसिस है, ओके सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट बीटी है, जिसमें कि क्रॉप को अलाउ किया जाता है कि वो यहाँ पे प्रोटीन टॉक्सिक्स जो है उसको डेवलप करे, जो कि कॉमन पेस्ट पिंक जो बोलवॉर्म है उसके लिए, यानी कि यहाँ पे जो पेस्ट वगैरह कीड़ा वगैरह लग जाते हैं ना कॉटन के प्लांट में और पूरी तरीके से कॉटन बर्बाद हो जाता है, तो उसको रेसिस्ट करने के लिए इस तरीके का आपका जो है जीन यहाँ पे डेवलप किया गया है, ठीक है। इंडिया में अगर देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है जो कि अपेक्स बॉडी है, इनके द्वारा कमर्शियल रिलीज अप्लाई यहाँ पे अलाउ किया जाता है। जैसे बीटी ब्रिंजल है, तो बीटी ब्रिंजल आज के डेट में क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है, तो वो जो अलाउ नहीं किया जा रहा है वो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के द्वारा नहीं अलाउ किया जा रहा है। इंडिया में जो सिर्फ यहाँ पे अलाउड है वो सिर्फ बीटी कॉटन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और 2002 में ही बीटी कॉटन को अलाउ किया गया था। मोर देन 95% जो आज के डेट में हमारे कंट्री में जो कॉटन एरिया है ना वो यहाँ पे बीटी कॉटन के ही अंदर आता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे अनअप्रूव जीएम वेरिएंट है, अगर वो यहाँ पे आप देखोगे कि अगर इसको इस्तेमाल किया जाएगा ना तो इसमें जो है 5 साल का जेल का भी प्रावधान है और 1 लाख तक फाइन भी यहाँ पे लगाया जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यू शुड रिमेंबर दिस ऑल द थिंग्स, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ फ्रॉम पोलियो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। फर्स्ट है कि पोलियो इज़ पोटेंशियली डेडली डिजीज़ दैट अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है। सेकेंड है कि पोलियो इन्फेक्शन जो है ईजिली प्रिवेंट हो सकता है वैक्सीन से। थर्ड है कि 2010 में इंडिया को यहाँ पे पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था जब 3 साल तक 0 केसेस निकल कर आया था। तो आपको करेक्ट बताना है फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, पोलियो जो है ना एक आपके नर्वस सिस्टम को ही यहाँ पे डेड कर देता है, इसलिए आप लोग देखते हो कि जिस जगह पे पोलियो का अटैक होता है वो जो पार्ट है ना वो काम करना बंद कर देते हैं। सेकेंड है कि पोलियो इन्फेक्शन जो है आराम से वैक्सीन से आपका प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, यहाँ पे 2010 नहीं है, 2014 है जिसमें इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर किया गया था। सो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, ठीक है। ये सारी चीजें हैं यहां पे। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट जो है 15, जूस चैकिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। जूस चैकिंग है क्या ये बताना है। फर्स्ट है कि ATM कार्ड स्कीमिंग टेक्निक टू क्लोन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड टू विड्रॉ मनी। सेकंड है यानी कि आपका जो ATM कार्ड है उसको यहाँ पे आपका जो है क्लोन करके आपका जितना भी मनी है उसको विड्रॉ करना।
सेकेंड है कि साइबर अटैक, जो कि यहाँ पे कम्युनिकेशन अगर दो यूज़र्स के बीच में है उसको यहाँ पे चेंज कर देगा, या फिर साइबर अटैक है जो कि मोबाइल चार्जिंग प्रोसीजर के थ्रू होगा, साइबर अटैक जो कि यहाँ पे डिस्गाइज्ड मेल के थ्रू होगा। तो यहाँ पे है क्या ये आपको बताना है। दिस इज़ करेक्ट आंसर इज़ सी। ठीक है, जूस चैकिंग कहने का मतलब है कि ऐसा साइबर अटैक जब आप लोग मोबाइल चार्जिंग प्रोसेस में लगाते हो। अब ऐसा नहीं कि घर में आप लोग मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो आपका ये साइबर अटैक हो जाएगा, नो। साइबर अटैक ये वाला तभी होगा जूस चैकिंग, जब आप कोई कॉमन प्लेस में, जैसे कि आपका रेलवे स्टेशन है या फिर एयरपोर्ट है या फिर आप मॉल वगैरह में, इस तरीके का जो है आप लोग अपना बस स्टैंड वगैरह कैफ़े वगैरह में जो है ना, अगर आप लोग इस तरीके का मोबाइल चार्जिंग प्रोसेस अगर आप यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग करते हो तो फिर इस तरीके का साइबर अटैक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया। सो वी वेयर, आप लोग कहीं भी अगर जाते हो तो लोकल प्लेस में इस तरीके का कनेक्शन आप लोग इस्तेमाल मत करो, बेटर है कि आप लोग अपना जो है ना जो आप लोग का पावर बैंक होता है उसको कैरी कीजिए, क्योंकि आज तक आजकल आप लोग देख रहे हो उस तरीके का भी अटैक वगैरह हो रहा है, तो इससे आप लोग को सतर्क रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिससे क्या हो सकता है कि आपकी जो स्मार्टफोन, टैबलेट या फिर कोई भी कंप्यूटर डिवाइस है उसमें अगर कोई भी तरीके के सेंसिटिव डेटा है ना, तो इट मे बी हैक्ड, इट मे बी कॉपीड। सो बेटर यू शुड प्रिवेंट योर सेल्फ, और इस तरीके का जो है ना अब थोड़ा सा प्रिवेंट हो जाइए, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब हम लोग तो नहीं समझ पाएंगे। और आप लोग ऐसा भी है ना कि ये साइबर अटैक से जो आप लोग को पता भी नहीं चलेगा कि आपके मोबाइल्स में जो भी सेंसिटिव डेटा है वो कॉपी हो चुका है, तो ये सारी चीज़ पता नहीं चलता, लेकिन हाँ एक्चुअली इट एग्जिस्ट। तो बेटर है कि हम लोग अपना प्रिवेंटेबल जो मेजर्स है उसको लेकर चले। ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना हो गया, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं आप लोग यहाँ पर काउंट करके बताइएगा। मुझे लगता है यहाँ पर 8 से स्टार्ट किए थे ना, तो 8 ही क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो 8 to 15, इट मीन्स कि 8 क्वेश्चन। सो आउट ऑफ 8 आपको कितने मार्क्स आए ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।